सहरसा जिले के बनमा इटहरी प्रखंड का सहुरिया पंचायत में सरकार की कई योजनाओं का लाभ अब तक ग्रामीणों को नहीं मिला, जिसे लेकर मुखिया मंजूदल हसन पर स्थानीय नेताओं ने करोड़ों के योजनाओं के पैसों का गबन करने का आरोप लगाया, जिस पर मुखिया मंजूदल हसन ने उन पर लगे आरोप को बेबुनियाद बताते हुए नेताओं पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पंचायत में विकास का कार्य चल रहा है, यही नहीं उन्होंने अधिकारियों को पंचायत में आकर तमाम योजनाओं की जाँच करने की भी बात कही है। विरोधियों के द्वारा जो आरोप लगाया गया है वार्ड नंबर 11 और वर्तमान में जो है आरजू का जो पोखर है वो बिल्कुल ही तैयार है, कार्य प्रगति में है, और वार्ड नंबर 11 में पीपर के नदी से और लालपुर नदी तक जो आरोप लगाया गया है वो निर्माणाधीन है, कार्य चल रहा है, पैसे अभी पूरे नहीं निकले। काम जरूरी बात निकाल रहा है जो कहे कि पैसों दिया हुआ है निर्माण का। तो सहरसा का ये पूरा मामला है, सहरसा के जो मुखिया हैं उन पर योजनाओं के पैसे गबन करने का आरोप लगा है, और ये सहरसा का पंचायत है जहां पर आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कई योजनाओं में यहां पर मुखिया मंजूदल हसन पर पैसों के गबन करने का आरोप स्थानीय नेताओं ने ही लगाया था, लेकिन अब उन तमाम आरोपों को मुखिया ने बेबुनियाद बताया है और उन्होंने कहा है कि इस पर अधिकारियों को वहां पर बुलाकर जो है जांच का उन्होंने बात भी कही है कि तमाम योजनाओं की जांच कर लें, क्योंकि वहां पर उन पे सारे आरोप जो लगे हैं वो तमाम आरोप बेबुनियाद हैं। खगड़िया में उल्फा की ओर से राम कुमार की रिहाई के बाद अलौली विधायक उनसे मिलकर बधाई दी। इस दौरान राम कुमार ने सभी के योगदानों पर आभार प्रकट किया। गौरतलब है कि विधायक ने विधानसभा में भी राम कुमार को उल्फा से मुक्त कराने की मांग की थी। जब घर आया हूँ तो मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं घर आया हूँ। अभी भी लगता है कि मैं सपना तो नहीं दिख रहा हूँ, मैं जंगल में हूँ, लेकिन अभी आ गया हूँ सच में, और मुझे बहुत खुशी मिल रही है। मैं अपने माता जी पिताजी से मिला, परिवार से मिला, बच्चों से मिला, मैं बहुत खुश हूँ। और जो प्रयास ने हमारे अलौली प्रखंड के MLA साहब किए हैं, विधायक साहब किए हैं, उनको मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और इसके लिए बात करेंगे एंटरटेनमेंट जगत की। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की फिल्म हम है राही प्यार के जल्द ही आने वाली है। इस फिल्म में पवन सिंह के साथ साउथ की कई फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री हर्षिका पुनीचा है। यह फिल्म एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म है। जानकारी के मुताबिक बहुत जल्द ही फिल्म का प्रोमो और ट्रेलर रिलीज कर दिया जाएगा, जो एंटरटेन रंगीला के यूट्यूब चैनल पर दिखेगा। इस फिल्म में पवन सिंह अलग ही किरदार में नजर आने वाले हैं। फिल्म में एक ऐसे परिवार की कहानी है जो अपने देश से दूर रहकर भी अपनी संस्कृति और संस्कारों को नहीं भूलता। अब तस्वीरों में देख सकते हैं सुपरस्टार भोजपुरी के कहे जाने वाले पवन सिंह का फिल्म जो है हम है राही प्यार के अब रिलीज होने वाली है, और इसका प्रोमो और ट्रेलर भी जल्द रिलीज होगा। पवन सिंह के साथ इसमें साउथ फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस हर्षिका पुनीचा साथ में उनके इस फिल्म में दिखेंगी आपको, और बहुत जल्दी इस फिल्म का प्रोमो और ट्रेलर भी जो है एंटरटेन यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया जाएगा। और बताया जा रहा है कि इस फिल्म में पवन सिंह का किरदार बेहद ही अलग होने वाला है उनके तमाम फिल्मों से। इस फिल्म में यह दिखाया जा रहा है RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर झारखंड के हाई कोर्ट में जमानत की गुहार लगाई है। इस मामले पर आज अदालत में अहम सुनवाई हुई। आज की सुनवाई में CBI ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिस पर अदालत ने 16 अप्रैल तक का वक्त दिया है। अब इस मामले पर 16 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि लालू प्रसाद चारा घोटाला के चार मामलों में जेल की सजा काट रहे हैं। बीते दिन उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल कर सजा की आधी अवधि पूरी होने पर नए सिरे से जमानत की गुहार लगाई थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजीव हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, RJD सुप्रीमो लालू यादव ने एक बार फिर जमानत याचिका के लिए झारखंड हाई कोर्ट में गुहार लगाई है, और एक बार फिर CBI ने जो अपनी बात कही है उन्होंने कहा है कि जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा गया है और अब 16 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। क्या कुछ और बात सामने निकलकर इस पूरे मामले में आई है राजीव?
एक बात कहने की, आज बहुत बड़ी राजद के लिए बहुत बड़ी खबर थी, लेकिन एक तरीके से निराशा लगी है कि 16 तारीख को सुनवाई ये टल चुकी है 16 अप्रैल तक। सीबीआई ने एक तरीके से समय मांगा है कि हमें समय चाहिए दाखिल कर जवाब दाखिल करने के लिए। उसी के लेकर आज हाईकोर्ट में जमानत याचिका लालू के वकील द्वारा दी गई थी, इनको जमानत दी गया, लेकिन जमानत सुबह से ही टकटकी लगा रहे थे राजद के नेता हो या कार्यकर्ता हो, बहुत सारे उनके चाहने वाले हैं, टकटकी लगाए बैठे थे, लेकिन इस तरीके से निराशा है। और जब कोर्ट में जब पेशी हुए, जब कोर्ट में रखा गया जो फाइल जज के पास, तो उन्होंने एक तरीके से सीबीआई के जो वकील है उन्होंने कहा कि हमें समय चाहिए और हम जवाब अभी तक नहीं राजी। तो इसी को लेकर कोर्ट ने 16 अप्रैल तक एक तरीके से लूंग लिया है समय। जी राजीव, लगातार जो है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरफ से जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट में दी जा रही है, लेकिन लगातार कुछ न कुछ बात सामने निकल कर आ रही है और कुछ न कुछ कमी की वजह से उनकी सुनवाई टाल दी जाती है और आगे वक्त दे दिया जाता है। लेकिन आरजेडी के जो समर्थक हैं, आरजेडी के जो नेता हैं, और तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि बेफालतू की ये बात चल रही है, उन्हें अब तक जो जमानत नहीं दी गई है ये सारी चीजें बेबुनियाद है, उन्हें अब तक, अब उन्होंने अपनी जो जेल में अवधि जो है आधी अवधि उन्होंने खत्म कर ली है, तो उन्हें जमानत दे देनी चाहिए, और तमाम आरजेडी के जो समर्थक हैं और विपक्ष के लोग हैं उनका भी कहना है। लेकिन आज फिर से उनकी सुनवाई टल गई, 16 अप्रैल अगला दिन दिया गया, अगला जो वक्त दिया गया है अगली सुनवाई के लिए जमानत याचिका पर, तो आरजेडी की तरफ से क्या कुछ अब इस पर सामने निकल कर आ रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है जब ये बात सामने आई होगी कि उनकी जमानत याचिका टल गई है और सुनवाई अब 16 अप्रैल को होगी, तो उनके चेहरे पर निराशा बिल्कुल झलकी होगी। राजीव देखिए, एक बात बता दें कि आरजेडी पूरा एक तरीके से कहलाता है लालू यादव, और लालू यादव तो मतलब आरजेडी होता है। निराशा आज इसलिए कर्कटक हुई कि लागे कहीं ये दुमका कोषागार मामले में अवैध निकासी का ये मामला है जिसको आज जमानत मिलने से सोचा कर्कटानों की जमानत मिल जाएगी लालू यादव को, तो जमानत के बाद लालू यादव बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 16 अप्रैल तक ये बात चल गई है, 16 अप्रैल को समय ले लिया है सीबीआई के वकील ने। अब आगे ये है कि यहाँ के कार्यकर्ता काफी निराश है, जब उनसे भी मैंने बात की ऐसे भी बिना ऑफ कैमरा भी, तो कहना है कि ये बहुत एक तरीके से निराशाजनक है, क्योंकि हमारे जो नेता है वो एक तरीके लालू यादव है और तेजस्वी यादव, उनके बहुत कहता हूँ उनके बेटे हैं, लेकिन अभी कमान भले तेजस्वी के हाथों में है, लेकिन पूरा एक तरीके से जो खड़ा किया राजद को लालू यादव ही है, जो एक तरीके से राजद को आगे ले जाने, चाहे कोई भी दिशा निर्देश देने का हो, या तो कई बार आरोप करते हैं कि वो अब बैठे बैठे जेल से भी दिशा निर्देश दिए, या पार्टी के जो भी टिकट उनके विधानसभा पिछली को जो जीत हुई है, जितने सीट नंबर वन की पार्टी बनी है, तो कहीं ना कहीं लालू यादव का मतलब ही होता है कि राजद, अराजद का मतलब ही लालू यादव होता है, तो कहीं ना कहीं कर्कटक निराशा तो है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव। तो आपको बता दें कि आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव ने एक बार फिर से झारखंड हाईकोर्ट में जमानत की गुहार लगाई थी, लेकिन सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है इस पर, और अदालत ने अब 16 अप्रैल अगली तारीख मुकर्रर की है, और अब 16 अप्रैल को लालू यादव के जमानत याचिका पर अगली सुनवाई होगी। तो फिलहाल आरजेडी के लोगों के लिए और विपक्ष के लिए ये बहुत ही बड़ी खबर है और एक दुखद खबर भी है। तो फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए नेशन न्यूज़, नमस्कार।